आज गुल्ली बुल्ली और शॉन मिलकर शॉन का नया घर बना रहे हैं। सभी लोग शॉन के नए घर पे काम पे लगे हैं। शॉन अपने जेसीबी से घर के पीछे खुदाई कर रहा है, बुल्ली पौधा लगा रहा है और इधर गुल्ली घर के चारों तरफ दीवार बना रहा है। दीवार बनाते बनाते गुल्ली देखता है कि सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। गुल्ली तुरंत बुल्ली और शॉन को बुलाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं, हमें जल्दी चलकर लकड़ियां लेकर आना होगा। शॉन कहता है कि लेकिन इतनी रात को हमें लकड़ियां कौन देगा। गुल्ली कहता है, शॉन टेंशन मत लो, हम लोग जंगल से जाकर लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। ये सुनकर शॉन कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वो देखो वो रहा मेरा ट्रैक्टर, चलो सभी लोग उससे लकड़ियां लेकर आते हैं। गुल्ली कहता है, लेकिन हम लोगों में से किसी को भी पेड़ काटने नहीं आता। गुल्ली कहता है, चलो हम लोग बाबा को भी साथ ले लेते हैं। ठीक है बुल्ली। सभी लोग आकर ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं। शॉन गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि आज ट्रैक्टर मैं चलाऊंगा। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम्हें ट्रैक्टर चलाने आता भी है? शॉन कहता है, तुम टेंशन मत लो गुल्ली, मुझे ट्रैक्टर चलाने आता है। इतना कहकर शॉन ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और ले जाकर पेड़ पे ठोक देता है। गुल्ली और बुल्ली को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। गुल्ली शॉन से कहता है कि लाओ ट्रैक्टर मुझे दो। सभी लोग ट्रैक्टर से बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा कसरत करने में बिजी थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर कहते हैं कि क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? गुल्ली कहता है कि बाबा हम लोग शॉन का नया घर बना रहे थे, लेकिन घर बनाते बनाते सारी लकड़ियां खत्म हो गई, हमें अभी चलकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाना होगा। बाबा कहते हैं कि ऐसी बात है तो चलो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं और मिलकर शॉन का घर बनाते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा भी आकर ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं। गुल्ली ट्रैक्टर को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं। शॉन कहता है कि बाबा वो देखिए, वहां एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस एक पेड़ से सारी लकड़ियां हमें मिल जाएंगी। बाबा कहते हैं, ठीक है चलो उस पेड़ को काटते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन उस पेड़ को काटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि वो लोग जिस पेड़ को काट रहे हैं वो एक शापित पेड़ है। बाबा जैसे ही उस पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करते हैं, उस पेड़ के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है। वो पोर्टल गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन को अंदर खींचने लगता है। एक एक कर सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग एक टनल से होकर नीचे जा रहे थे। देर में सभी लोग दूसरी दुनिया में आकर गिर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन उठते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा हम लोग इस जगह पर कैसे आ गए? बाबा कहते हैं कि लगता है ये दूसरी दुनिया है, हम लोगों ने अभी जिस पेड़ को काटने की कोशिश की वो जरूर कोई स्थापित पेड़ होगा, हमें उस पेड़ को नहीं काटना चाहिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि वो देखो वहाँ एक छोटा सा गांव है, चलो वहाँ पर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग उस गांव के पास आते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उस पूरे गांव में सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं, वहाँ एक भी इंसान नहीं था। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन तुरंत समझ गए थे कि वो लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि ये जरूर कोई जादुई दुनिया है। एक मिनट रुको, मैं इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, मैंने इस दुनिया के बारे में अपने दादाजी की किताब में पढ़ा था, ये जरूर भूत नगरी है। मेरे दादाजी ने अपने किताब में लिखा था कि भूत नगरी में सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते हैं और यहाँ पे एक मॉन्स्टर राजा का राज है, और जो भी इंसान इस भूत नगरी में आता है वो मॉन्स्टर राजा उसे भी पकड़कर मॉन्स्टर बना देता है। मेरे दादाजी ने अपनी किताब में सिर्फ इतना ही लिखा था, इसके आगे का मुझे नहीं याद है। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे?
बाबा कहते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना यहाँ का राजा हम लोगों को पकड़कर मॉन्स्टर बना देगा। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन बातें कर रहे थे, तभी गांव के एक मॉन्स्टर की नज़र उन लोगों पे पड़ जाती है। वो मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन से कहता है कि तुम लोग तो इंसान हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये भूत नगरी है, यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स रहते हैं। लगता है तुम लोग चोरी छिपे इस भूत नगरी में आए हो, अब तुम लोगों को भी मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। इतना कहकर मॉन्स्टर दौड़कर वहां से चला जाता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना वो मॉन्स्टर जाकर अपने राजा को बता देगा और वो राजा हम लोगों को पकड़ लेगा। बाबा कहते हैं वो देखो वहाँ एक घर है, चलो उस घर में चलकर छिप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन उस घर में आकर छिप जाते हैं। इधर उस मॉन्स्टर ने जाकर ये सारी बातें अपने राजा को बता दी। वो राजा गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भेज चुका है। सिपाही गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तभी एक सिपाही को दिखता है कि कुछ लोग एक घर के अंदर जा रहे हैं। सारे सिपाही उस घर के तरफ दौड़कर आते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिपाही इन लोगों को पकड़ लेंगे या फिर बाबा इन सिपाहियों को मारकर यहां से भाग जाएंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट टू। देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।